नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा वार, कहा पीएम मोदी रावण और झूठे हैं। राहुल गांधी के रावण वाले बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कसा तंज, कहा उनकी राजनीतिक औकात इतनी भी नहीं कि कोई उन्हें गंभीरता से ले। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ खत्म, राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए कसी कमर। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले सबको मिलेगा टीका, एक भी भारतीय नहीं छूटेगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय के वायरल ऑडियो से मचा बवाल, भाजपा ने बोला हमला, कहा लोकतंत्र में नहीं बल्कि प्रबंधन में विश्वास करती है कांग्रेस। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया झटका, पाक कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटाया। पाकिस्तानी सांसद का दावा, आर्मी चीफ बाजवा से कुरैशी ने कहा था अभिनंदन को जाने दे, नहीं तो भारत कर देगा हमला। ब्रिटेन सरकार के टीका कार्यबल नो कोविड 19 टीकों को लेकर किया आग्रह, कहा हो सकता है कि हर किसी पर ये समान रूप से काम ना करे। 7 महीने बाद बांग्लादेश के साथ भी विमान सेवा हुआ बहाल, पर्यटन के अलावा जारी होंगे सभी वीजा। पाक में एक बार फिर कोरोना का मंडराया खतरा, पाक सरकार ने बड़े शहरों में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा। यूपी में आने वाले एमएलसी चुनावों को लेकर मायावती का बड़ा बयान, सपा को हराने के लिए भाजपा का दे सकती हूं साथ। कानपुर पहुंचे कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने सादा बीजेपी पर हमला, कहा भाजपा किसान विरोधी पार्टी। प्रतापगढ़ में खुलेआम प्रेम प्रसंग में की गई किशोरी की हत्या, प्रेमी के घर के सामने मिला किशोरी का शव। कन्नौज के गुड़सहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक घर में लगी भीषण आग, आग से झुलसकर पूरी गृहस्थी हुई राख। अलीगढ़ में दो पक्षों में मामूली विवाद के बाद एक युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या, परिजनों ने शव को सड़क पर रख किया प्रदर्शन। आईपीएल 2020 के 39वें मैच में चेन्नई का कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा मुकाबला, प्लेऑफ की रेस के लिए केकेआर झोंकेगी पूरा दम। आईपीएल के 13वें सीजन के 48वें मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को रौंदा, बनाई प्लेऑफ में अपनी जगह। कोहली ने दिया बड़ा बयान, कहा आखिरी दो मैच में जीतकर उनकी टीम शीर्ष दो में बना सकती है जगह। सूर्य कुमार की पारी देख खुद को रोक नहीं पाए भज्जी, बोले उम्मीद है सिलेक्टर्स ने देखी हो सूर्य कुमार की पारी। आउट होने के बाद क्रिस मॉरिस से भिड़े हार्दिक पांड्या, मैच रेफरी ने दोनों को लगाई कसकर फटकार। कंगना के निशाने पर आए करण और दीपिका, यूज्ड पीपीई किट फेंकने पर कंगना ने दिया स्टार्स को करारा जवाब, गोवा में शूटिंग के बाद बायो मेडिकल वेस्ट नहीं छोड़ने का लगाया आरोप। नागिन का किरदार निभाने के लिए मिस कपूर है तैयार, श्रीदेवी की नगीन और निगाहें की तरह आंखों से वार करेंगी श्रद्धा कपूर, जल्द नागिन मूवी में आएंगी नजर। सिंगम फेम काजल अग्रवाल, मंगेतर गौतम किचलू संग शादी के बंधन में बनने वाली है, इंस्टाग्राम पर अपनी मेहंदी सेरेमनी की फोटो की शेयर। बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट जान कुमार सानू ने अपने मराठी भाषा पर किए कमेंट पर मांगी माफी, मनसे और महाराष्ट्र सरकार की चेतावनी मिलने के बाद जान ने शो में सबके सामने मांगी माफी। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म द व्हाइट टाइगर का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में प्रियंका और राजकुमार एक अमीर कपल, वहीं आदर्श कुमार प्रियंका और राजकुमार के ड्राइवर के रोल में आए नजर।